ये अरेस्ट वारंट है इस केस का क्रिमिनल केस नंबर है 18/116/2006, रिपोर्ट नंबर है 7142/2006, नाइफ में हुआ है। मोहम्मद कामरान खान जो कि इनका असल नाम है, कसूरी साहब का असल नाम मोहम्मद कामरान खान है। ये जो केस है इसमें जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि इनको अरेस्ट करके लाया जाए, फ्रॉड का केस है। और ये आखिर में कहता है कि अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ, जजमेंट द पब्लिक प्रोसिक्यूशन हैज कंडक्टेड इट्स इन्वेस्टिगेशन एंड ड्रॉप्ड द केस अगेंस्ट टू अदर अक्यूज्ड इनायत बशीर और थरानी सलीम शौकत ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस एंड ऑर्डर टू कंडक्ट सर्च एंड इन्वेस्टिगेशन टू नैब द अक्यूज्ड मोहम्मद कामरान खान एंड प्रेजेंट हिम टू द पब्लिक प्रोसिक्यूशन सून आफ्टर। उसके बाद जनाब ये एक नोटिस है जी, नोटिस, ये नोटिस के ऊपर लिखा हुआ है इंटरपोल नोटिस। इंटरपोल आपको पता है ना कब आती है, इंटरपोल की नोटिस में भी रिक्वेस्ट डेट ऑफ पब्लिकेशन है 19 मार्च 2010, रिक्वेस्टिंग कंट्री है यूएई, यानी कि दुबई ने इंटरपोल को रिक्वेस्ट की है कि इन मौसूम को गिरफ्तार करके दुबई लाया जाए। और शारजा में भी इनके ऊपर केस हैं, और ये सारे केसेस की मेरे पास कॉपीज आ गई हैं। सिंध हाई कोर्ट में दोबारा हम पेश होंगे। पाकिस्तान के हर कोर्ट ने, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट ने, पंजाब हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्वेटा हाई कोर्ट ने, यानी कि बलूचिस्तान के कोर्ट ने, सब ने मुत्तफिका तौर पे ये फैसला सुना दिया है कि जो MNAs थे उनकी रेजिग्नेशन जो हमने जब दी थी वो एक्सेप्ट नहीं की, और जो आप जिस तरह कर रहे हैं एक्सेप्ट वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, और वो आप उन सब ने स्टे दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट में जब हम गए थे तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ द सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हम 21 तारीख को सुनेंगे, मार्च 21 को। तो हमारे वकील ने उनसे दरख्वास्त की कि योर ऑनर इलेक्शन तो 16 तारीख को है, आप 21 को कैसे सुन रहे हैं। फिर हमने अर्जेंसी की एक पटिशन लगाई, उस पर उन्होंने कहा मैं 15 को सुन लूँगा। फिर उनसे जब और थोड़ी दरख्वास्त की, उन्होंने कहा वो 10 पे आए, आखिर में वो 7 को सेटल हुए जो कि कल है। तो मेरी उनसे आजिज़ाना गुजारिश है कि आप बाकी हाई कोर्ट्स के सारे फैसले सुन लें, क्योंकि प्रेसिडेंट तो सेट हो चुका है, सारे हाई कोर्ट से फैसला देते, तो एक भी कोर्ट का फैसला होता है, यहाँ तो सारे कोर्ट से प्रेसिडेंट सेट कर दिया। मेहण में तहरीक इंसाफ ने 12 में से 8 जीत लिए काउंसलर्स, यानी के टाउन कमेटी तहरीक इंसाफ की आ रही थी, म्युनिसिपल कमेटी। पूरे कराची में धांधली हुई नजर नहीं आ, बल्कि इलेक्शन कमीशन में पिछले हफ्ते कहा गया आरओ को उठा के अनबेलेबल अरेस्ट वारंट शुरू करो, उनके पास कागजात पूरे नहीं है। हमारे लोगों के पास फॉर्म 11 पूरे हैं, हम खड़े हैं फॉर्म 11 लेके, उनके पास फॉर्म 11 नहीं। आरओ आता है तो प्रेसाइडिंग नहीं आता, अफसर अफसर आता है तो ये नहीं आता। लेकिन मेहड़ में जहां पे हम जीत गए वहां पे ये प्रेशर डाल के कुछ तमाशा करना चाहते हैं। हमारे ज़माने में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब, हमारे ज़माने में हमने जो एविडेंस था वो कलेक्ट करके दारों को दिया, कभी फोर्स नहीं किया किसी दारे को, नैब को का इंडिपेंडेंट चलो, FIA को का इंडिपेंडेंट चलो। वो जब इतने अगर फोर्स करते, हमारे अपने लोगों के ऊपर केस हुए, उन्होंने कैबिनेट छोड़ी, केसेस को भुगता और वापस कैबिनेट में आए हमारे अपने लोगों पे। वो आज वो भी हमारी लीडरशिप में बैठे हुए, हमने कभी भी ये फोर्स नहीं किया। मुझे ज़रा बताएं जो 74 पता नहीं 70-75 केस इमरान खान साहब के ऊपर बनाए हुए हैं, झूठे मुकदमे, क्यों क्यों देख लिया केस बना लो, या मेरे पे 380 बनाई हुई हैं, हमने तो केस ही नहीं बनाया। हमारे पास तो सारे केस हमें विरसे में मिले थे। हमारे यहाँ तो एक वो खाली मकसूद चपरासी वाला शहबाज शरीफ पे, वो जो क्लियर मनी लॉन्ड्रिंग का केस वो था, और ये राणा सना वाला जो कि एंटी नरकोटिक्स ने बनाया था। मिनिस्टर का काम तो पॉलिसी देना होता है, मिनिस्टर थोड़ी गाड़ी में बैठ के जाता है पकड़ने किसी को, मिनिस्टर का तो काम पॉलिसी देना है और पॉलिसी को इन्फोर्स करना है। तो पॉलिसी दी और पॉलिसी इन्फोर्स की जा रही थी,
باقی تو کام اداروں کے بیوروکریٹس اور جو انڈیپینڈنٹ اداروں کے ڈی جیز اور ان کا کام ہوتا ہے, تو انہوں نے کام کیا. تو میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر وہ صحیح کہہ رہے تھے تو پھر یہ کیسے بیٹھا ہوا انٹیریئر منسٹر بن کے؟